बीती रात्रि को रिको इंडस्ट्री एरिया में श्रमिक की मौत हो जाने के मामले में 4 घंटे तक चली वार्ता में 10 लाख रुपये मुआवजा राशि पर सहमति बनी। गत रात्रि को चंद्रयता नंदर रिको इंडस्ट्री एरिया में हनी मार्बल पर गैमसा कटर चलाने वाले मदनलाल खटीक की मौत हो गई थी तथा उसका साथी रतनलाल खीर कादम घुटने से आईसीयू में भर्ती कर इलाज जारी है, जिस पर मोर्चरी के बाहर लगभग 4 घंटे तक वार्ता चली और खटीक समाज के लोगों व फैक्ट्री प्रबंधन के बीच 10 लाख रुपये मुआवजा राशि मृतक के परिवार को देने पर सहमति बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट चित्तौड़गढ़। खेड़ा में जहाँ पर रात्रि को ये दो मजदूर सिकड़ी चला के सो गए थे रात में, उसमें जाके देखा तो एक की रेत हो गई, एक ही था जिसको भर्ती करा था वो ठीक है, इलाज चल रहा है। उसके बाद एक की परिजन आए तो उन्होंने कहा भी हमारे आर्थिक सहायता वगैरह कुछ होती है जो नियमों में इनके हैं तो नियमानुसार इनकी आर्थिक सहायता देती है, कार्य भी करें भाई तो नियमानुसार इनका जो 7,500 रुपये नियमानुसार जो भी इनके रिपोर्ट दे दी प्रकरण दर्ज हो वो रिपोर्ट दे रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। नारायण निवासी हमारे समाज के मदन जी खटीक जो हनी मार्बल में काम करते हैं और रात को दुर्घटनावश उन्होंने अंतिम सांस ली और क्योंकि ये मौत संदिग्ध परिस्थितियों में थी तो पूरे समाज का आक्रोश, साथ ही सभी समाजों का, नारेला सरपंच साहब सहदेव सिंह जी का सबका ये रहा और एक सम्मानजनक उस दिवंगत आत्मा के परिवार को उचित मुआवजा मिले इसके लिए 7.5 लाख रुपये तो फैक्ट्री जो उनकी एसोसिएशन वो देगी और 2.5 लाख रुपये जो है जन सहयोग से दिला के इस प्रकार टोटल 10 लाख में ये बात हुई है, तो बहुत जल्दी उस परिवार को दे दिए जाएंगे और उसके आज जो है 50,000 नगद दे दिए गए।